हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ईशा मल्होत्रा है और पैटर्न सीरीज की ये मेरी पहली वीडियो है। अपनी इस पैटर्न सीरीज में मैं कोशिश करूंगी कि स्टार पैटर्न से रिलेटेड, न्यूमेरिक वैल्यू से रिलेटेड और अल्फाबेटिकली पैटर्न से रिलेटेड जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड कर सकूँ, मैं उतने क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊंगी। पैटर्न सीरीज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको लूप की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लूप एंड देन उसके बाद आपका नेस्टेड लूप। तो अगर आपको लूप के कॉन्सेप्ट की और नेस्टेड लूप के कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं है तो प्लीज आप पहले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और फिर उसके बाद आप इन वीडियोज को स्टार्ट करिए। तो आप देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियोज में मैंने सबसे पहले बिल्कुल बेसिक वीडियो ली है, मीन्स एक बेसिक स्टार पैटर्न लिया है। अगर आप इस स्टार पैटर्न को देखें तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि मेरे पास बेसिकली 5 रो हैं। अगर मैं बात करूं रो की तो मेरे पास 5 रो हैं और हर रो के अगेंस्ट हमें कुछ कॉलम दिए हुए हैं। फाइन, तो अगर मैं बात करूं अपने लूप की तो मैं कह सकती हूं कि मुझे एक लूप चाहिए जो मेरी इस पूरी रो को प्रिंट करवाए और दूसरा लूप चाहिए जो हर रो में पर्टिकुलर कॉलम्स को प्रिंट करवाए। फाइन, तो अगर हम यूजर से वैल्यू ले रहे हैं तो हम यूजर से जितने भी लेवल का मींस पैटर्न प्रिंट कराना चाहें, 5 रो का, 6 रो का, 7 रो का, तो हम उसके अकॉर्डिंगली यूजर से वैल्यू ले सकते हैं। तो अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अपने इस प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए मैं कोड ब्लॉक आईडी का यूज कर रही हूं, आप किसी भी आईडी का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक आई और एक जे। आई रिप्रेजेंट कर रहा है मेरी रो को और जे रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे कॉलम को। देन एक वेरिएबल लिया एक्स जिसमें कि मैं यूजर से वैल्यू एंटर करवाऊंगी। तो यूजर को एक मैसेज दिया। उस वैल्यू को स्कैनएफ करवाया क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, तो मॉडुलस डी परसेंट ऑफ एक्स। ठीक है, अपना लूप स्टार्ट किया, मैंने फॉर लूप स्टार्ट किया। आई सेट आई इक्वल टू 1 और आई कब तक चले, जब तक कि वो एक्स के इक्वल ना आ जाए, एंड देन आई प्लस प्लस। तो ये लूप मुझे आइटरेशन प्रोवाइड करेगा मेरी रो के लिए। जैसे मैंने अगर एक्स में वैल्यू एंटर करी कि मुझे 5 डिजिट तक का पैटर्न चाहिए, तो एक्स की तो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और अप टू कहाँ तक चलेगी, 5 तक चलेगी। तो यानी कि 5 आइटरेशन मुझे यहाँ पर मिलेंगे। अब हर आइटरेशन पर मुझे क्या करना है, मुझे कॉलम के लिए काम करना है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया जे इक्वल टू 1। अब मुझे जे को स्टॉप कहाँ पे करना है। अगर मैं इस पैटर्न को देखूं तो फर्स्ट रो में मुझे 1 स्टार चाहिए, सेकंड रो में मुझे 2 स्टार चाहिए, थर्ड रो में मुझे 3, देन 4, देन 5। यानी कि जिस रो में मैं हूं मुझे उतने ही स्टार चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, मैंने जे को 1 से स्टार्ट किया तो मुझे कहां तक लेके जाना है कि जे लेस देन इक्वल टू आई तक चले। अगर आई 1 है तो ये 1 से लेकर 1 तक चले, आई 2 है तो 1 से लेकर 2 तक चले, आई 3 है तो 1 से लेकर 3 तक चले। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे आइटरेशन यहां पर मिल जाएंगे। देन मैंने लिया जे प्लस प्लस। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ करवाया, मुझे क्या प्रिंट करवाना है, मुझे स्टार प्रिंट करवाना है यहाँ पे। फाइन, अब देखिए, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, मींस जब मेरा फर्स्ट आइटरेशन हुआ, आई इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू एक्स हुआ, अंदर आया लूप, 1 से लेकर 1 तक चला, स्टार प्रिंट हुआ, तो जो कर्सर है वो सेम लाइन के एंड में रहता है, मींस मेरा कर्सर जो है वो यहाँ रहेगा। अब अगर मान लो मेरा नेक्स्ट आइटरेशन हुआ, वो नेक्स्ट स्टार प्रिंट करवाएगा, तो वो स्टार तो इसी के आगे आ जाएंगे, जबकि हमें वो स्टार कहाँ चाहिए, न्यू लाइन में चाहिए। तो न्यू लाइन के लिए मैं चाहती हूँ कि जब भी मेरा इनर लूप कंप्लीट हो, यानी कि जब मेरा कॉलम के लिए जो लूप मैंने बनाया है, जो जे वाला लूप है, वो जैसे कंप्लीट हो, तो मुझे उसके बाद क्या चाहिए, मुझे उसके बाद एक न्यू लाइन चाहिए। तो न्यू लाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं स्लैश एन का। फाइन, क्लियर। अब जो फर्स्ट आइटरेशन हुआ, सपोज मैंने एक्स में डाला 5, तो ये चला 1 से लेकर 5 तक, तो लेस देन है एक्स से, लूप के अंदर आया, उसने चेक किया क्या जे लेस देन इक्वल टू आई है, उसने कहा हाँ इक्वल टू आई है, तो लूप के अंदर आया, उसने क्या किया, उसने स्टार प्रिंट किया फर्स्ट रो के लिए। देन स्लैश एन हुआ, न्यू लाइन में गया, आई प्लस प्लस हुआ, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, जो कि अभी भी लेस देन 5 से है। वो लूप के अंदर आया, उसने कहा जे इक्वल टू 1, यानी कि जे फिर से इनिशियलाइज हुआ 1 से। तो 1 से लेकर वो अब तक कब तक चलेगा, 2 तक, यानी कि 2 आइटरेशन तक चलेगा, और कितने स्टार प्रिंट करवाएगा, 2 स्टार प्रिंट करवाएगा। जैसे ही उसके 2 स्टार कंप्लीट होंगे, वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, तो प्रिंट एफ क्या होगा, न्यू लाइन होगा। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न जो है वो प्रिंट हो जाएगा। एग्जीक्यूट करते अपने कोड को। मैंने यहाँ पे वैल्यू एंटर करी, मैंने कहा कि मुझे 5 रो का स्टार चाहिए, तो उसने मुझे लाकर दे दिया।
अब अगर मैं बात करूँ, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, मैंने कहा कि मुझे अब 7 रो का स्टार चाहिए, एंटर किया तो उसने मुझे उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट लाकर दे दिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप इजीली देख सकें। थैंक यू सो मच, बाय।